आपने इन्वेंशन और डिस्कवरी जैसे शब्दों को सुना ही होगा। इन दोनों शब्दों का मतलब एक जैसा लगता है, लेकिन वास्तविक तौर पर इन दोनों शब्दों का ही अर्थ अलग अलग है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों शब्दों के बीच के अर्थ और अंतर को उदाहरण के साथ समझेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों शब्दों का अर्थ मिलता जुलता है। यही वजह है कि अक्सर लोग इन दोनों शब्दों के अर्थ को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। वहीं कई बार इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल उस जगह कर लिया जाता है जहां उसका इस्तेमाल करने से वाक्य गलत हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं इन्वेंशन क्या होता है। दरअसल इन्वेंशन का मतलब ही किसी भी चीज को बनाना या डिजाइन करना होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो भी चीज बनाई या डिजाइन की जाती है वो पहले से कभी डिजाइन नहीं की होती है। यह पूरी तरह से ओरिजिनल काम होता है जिसमें आप अपने दिमाग द्वारा कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर इतिहास में हवाई जहाज, रेलवे इंजन, टेलीफोन आदि इन सभी चीजों का आविष्कार हुआ है। अब हम समझेंगे डिस्कवरी क्या होती है। दरअसल डिस्कवरी वो होती है जिसमें किसी भी चीज की खोज की जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खोज केवल उन्हीं चीजों की होती है जिसका अस्तित्व पहले से इस धरती पर मौजूद होता है। ऐसे में उन चीजों के बारे में पता लगा कर या उसमें कुछ जोड़कर खोज की जाती है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका का पहले से ही अस्तित्व था, लेकिन कोलंबस द्वारा इसकी खोज करने पर लोगों को अमेरिका के बारे में पता चला। उन्होंने 1492 में इसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।